विदिशा जिले के अहमदपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डांगरवाड़ा में 16 महिलाओं के साथ एक समूह के व्यक्ति द्वारा ठगी की गई। इसमें प्रत्येक महिलाओं को 3 दिन बैठक लेने के बाद उनसे पैसा जमा करने के लिए कहा। राशि प्रत्येक महिला से 5,000 रुपये ली गई और बदले में 60,000 रुपये का लोन दिलाने की बात कही। सभी महिलाओं को देव खजूरी के यूके बैंक में बुलाया गया और बैंक में ही लेन देन करने के बाद व्यक्ति वहीं से रफू चक्कर हो गया। सभी महिलाएं अपनी आप बीती लेकर करारिया थाने पहुंची और यहां पर एक शिकायती आवेदन दिया। कहाँ से आइए? मेरा नाम जी अनीता अहरबार, डंगरवाड़ी की रहने वाली हूँ। क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई सर के मतलब कोई भी समूह बनाने के लिए, का नाम है उसका तन्नू, तन्नू है ना, तन्नू का नाम है तन्नू मनोज। ये बोलने लगा कि आपको समूह दिलाएंगे हम, 60,000 रुपया की केक लेके आए हो, 60,000 दिलाएंगे, 5,000 आप हमसे केस लेगा, 5,000 के बाद में कह हम तुम्हें 60,000 दिलाएंगे और ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहाँ गई थी आपने, कहाँ पे पैसा दिया? पैसा देव खजूरी इको बैंक में। बैंक के अंदर दिया? अंदर दिया। फिर कहाँ पे आई आप? हम आए करारिया थाने शिकायत किया। और आपका और क्या समस्या हो गई थाने में खड़े हुई? पूरा नाम बता। शिल्पी ब्लॉक। क्या हो गया? क्या हो गया? हमारा समूह लोन के लिए गया था हमारे यहाँ डंगरवाड़े में। कौन? मनु तनोजा। फिर क्या हुआ? हाँ, तो वहाँ से बोलने लगा कि आपको 60,000 रुपये मिलेंगे, आप अपने कागज दे दो, आधार कार्ड है हमारा, वोटर कार्ड है हमारा, हमारे पति का। हाँ, ले गए और वो हमको जो ज्यादा बोल दिया था देव खजूरी। हम वहाँ बैठ गए, आप वो आ गया था। कहाँ पे देव खजूरी? देव खजूरी बैंक में, इको बैंक में अंदर। हाँ। इको बैंक में अंदर है, उसने हमसे पैसे लिए थे 16,150 के, सबके कागज लिए थे, 5,000 रुपये लिए थे हमसे सबसे, वो नहीं मिला थोड़ी देर से, फिर हम यहाँ पे रिपोर्ट करने आए थे। अच्छा, कौन सी योजना बताई थी उन्होंने, कुछ ऐसा है याद आप? किसने? दुकान के लिए कुछ भी धंधा कर सकते हो आप। कितने पैसे देने के लिए? 60,000 रुपये कह रहा, 5,000 रुपये आपके लगेंगे पहले, 60,000 रुपये हम आपको हाथ से देंगे, 60,000 देंगे और 2750 की किस्त आएगी, 2750 के आपके, और 2 साल के लिए आपका, 2 साल की 24 महीना। हाँ, अभी थाना प्रभारी करदिया से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि महिलाएं पहुंची हैं, एक व्यक्ति ने उनके साथ ठगी करी है, वो वेरीफाई कर रही है, बैंक से जानकारी निकलवा रही है और सीटी फुटेज चेक कर रही है और जांच करके अगर उसमें अपराध पाया जाएगा तो प्रकरण पंजीकृत किया जाएगा। अब अगर अभी जो प्रथम दृष्टि है, थाना प्रभारी का कहना है कि धोखाधड़ी दिखती है, वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक करने के बाद अपराध पंजीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा है।